हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ हलवे की रेसिपी। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका त्यागी। आज मैं बनाने जा रही हूँ हलवा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी अरहर दाल, ये हमारी चना दाल, ये मूंग दाल और ये उड़द दाल, ये 8 से 10 बादाम, 8 से 10 किशमिश गोला और 1 कटोरी घी। आइए हम इनको सारी दालों को मिक्स करके रोस्ट कर लेते हैं। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें दाल डालना स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है अरहर दाल, इसको हम 2 चम्मच डालेंगे। ये चना दाल, ये भी 2 चम्मच डालेंगे। ये है मूंग दाल, ये भी हम 2 चम्मच डालेंगे। और ये है उड़द दाल, इसको हम 1 चम्मच डालेंगे। अब हम इनको रोस्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल रोस्ट हो चुकी है, ये कलर ब्राउन आ गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दाल भुन चुकी है और ये अब ठंडी भी हो चुकी है। अब हम इसको एक मिक्सी जार में डालकर ये देखिए इसको अब मिक्सी में पीस लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दाल पीस लिया है अपनी, ये हमने मिक्सी में पीस लिया, इसका पाउडर बना लिया है। अब इसको हम कढ़ाई में डाल के कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए अब इसमें हम घी डाल देंगे। मैंने इसमें 5 चम्मच घी डाल दिया है। अब इसे हमको हम हल्का 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे हमें ज़्यादा भूनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पहले दाल रोस्ट कर ली थी, इसलिए हम इसको भी थोड़ा मिक्सी करेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना बेस्ट आया है। इसको मंदी आंच कर लेते हैं। देखिए इसमें अब हम चीनी ऐड करेंगे, जितना आपको मीठा पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। मैं इसमें 4 चम्मच ही चीनी डालूंगी। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं 1 बड़ा कप दूध का डाल दूंगी। इसको चलाते रहना है। मैं इसमें 1 कप दूध डाल दिया है, 1 कप पानी में मिक्स करूंगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब हम इसको चलाते रहना है जिससे इसमें गांठे ना पड़े। उबाल आने तक इसको पकाना है। इसको थोड़ा, ये देखिए हमारे हलवे में उबाल आ गया है। अब ये रेडी हो गया है। देखिए इसका कलर। आइए हम अब इसको सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा बनके रेडी हो चुका है। हमने इसको सर्व किया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करना। अगर कोई गलती नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। धन्यवाद।